20 kg सेब और 10 dozen केले इधर पैक हो रही है हमारी। वेलकम टू आवर न्यू डे न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो गाइस आज? और इतनी इतनी मौसम हो रही है आज, देख सकते आप लोग पूरा। और हमारे पीछे इधर वो कृष्ण मंदिर में पूरा इधर भजन वजन चल रही है, ठीक है? तो आप लोग को सुनाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी। सो गाइज ये रही कृष्ण मंदिर, ठीक है? ये कृष्ण मंदिर है पूरा, उधर क्राउड भी देख सकते हो, गाड़ी वाड़ी भी लेके उधर पार्क वार्क किए। सो उधर मस्त भजन वजन चल रही है आज, ठीक है? और बहुत क्राउड है यार, सब लोग शायद आए हैं, बहुत काफ़ी लोग आते जाते रहते उधर। और गाइज अभी बज रही है सुबह की 10:30, तो अभी मुझे खाना वाना खानी है क्योंकि आज मैं बहुत लेट जगा हूँ ना, रात में भी लेट सोया था। अजमा खाना भाया था? खाने वो सीधे चलो गाइज अभी खाना वाना करते मस्त, अपने पेट वेट फुल करते, बहुत भूख लगी है मुझे तो कसम से यार। सो गाइज ये रहे हमारी खाना, खाना बन चुके और मस्त खाना वाना खा के आप लोग को मिलते हैं। हमारी खाना हो चुकी है और मैं हो चुका हूँ रेडी, ठीक है? और मैं ठीक अभी रेडी हुआ यार, ठीक बारिश शुरू होने लग गई यार, देखो यार अचानक यार, मतलब ऐसे मतलब बारिश शुरू हो गई यार। अभी मतलब बाहर निकलनी थी यार आज, यार हमारी एक प्लान थी, हमारे एक काम थी यार, पूरा फिर से अब बारिश शुरू हो गई। हजुर कस्तो पानी परेको हो यार, झन निस्किन बेला है आज होली। अरे यार अब तो और भी जोर से शुरू हो गई यार, और जोर से होने लगे यार, मतलब दिन की अभी बस 2:30 यार, और बारिश मतलब ऐसी पेलम पाल बारिश हो रही है, क्या बोलूँ यार। अभी तक तो यार सुबह सुबह इतनी अच्छी सी धूप आई थी, तो अच्छी मौसम में बोला था मैंने, अभी से देखो क्या हो गई है। तो गाइस यार बारिश होते होते यार मतलब इधर यार बर्फ भी गिरने लग गई गाइस, देखो इधर बर्फ, अरे देख सकते हो गाइस यार, ये देखो बर्फ और गिर गिर रही है यार, कसम से यार इतना मतलब बारिश होने लगी यार आजकल यार नेपाल में, मतलब काठमांडू में पता नहीं और जगह क्या है, पर काठमांडू में बहुत ही बारिश होने लगी यार। मेन तो ये बुढ़ंग घंटे थी, मैं फादर भी घर से आज मतलब फिल्म पल हो गई, आज हमें प्लान कैंसिल हो सकती है यार शायद। सो गाइस देख लिया ना आप लोगों ने कि कैसी बारिश हो रही है आज यार, कसम से यार आज हमारी प्लान थी यार, आज हम इफ्तारी कराएंगे यार लोगों को, ठीक है? जो हमारे मुसलमान भाई लोग बहन लोग जो है, ठीक है? क्योंकि अभी रमादान की टाइम है ना, तो उनके लिए भी हम हमारी तरफ से भी कुछ करने के लिए हमारे दिले, तो पर क्या करें यार, देखो ऐसी हालत है। अभी मतलब बाहर ही निकलने वाले थे, हमें एक जगह मिली है जहाँ मतलब स्कूल है, ठीक है? हमारे मुसलमान मतलब मुस्लिम स्कूल, तो उधर हॉस्टल है बच्चों लोगों की शायद ऐसे कुछ, तो उधर हमारी बात हुई थी, तो उनके साथ बात हो गया, हम बस अभी घर से निकलने वाले थे, पर देखो क्या हाल हो गई, बारिश तो हो रही है, ठीक है? पर हमें अब निकलनी पड़ेगी यार क्योंकि काम काम होती है, तो अभी मतलब टैक्सी भी आ गई है और बारिश फिर से जोर से होने लगी यार, और हो रही टैक्सी। अब दादी मैं अभी सुना सब लोग जा रहे हैं, ठीक है? अरे टैक्सी हो रही गाइस, तो अभी मतलब हमें यार टैक्सी में निकलनी पड़ेगी, अभी चीज जोर से मतलब बारिश हो रही है यार, पर क्या करे, अब शायद मतलब नीचे नीचे एरिया में बारिश नहीं हो रही हो, बस इधर हमारे एरिया में बारिश हो रही हो, तो इसलिए मतलब हम ये सोच के बस निकल रहे काम में, तो चलो कोई नहीं, बारिश हो गई तो क्या हो गया यार, चलो निकलेंगे अपने काम पूरा करेंगे, लेट्स गो। एकदम बारिश हो, कुछ भी बार हम निकल पड़े घर से, और मेरे आयुष मामा हजुर मा हजुर भाई है घरबाट, अब हामी त्यही गएर अब साउन्डहरू किन्नु पर्ने हुन्छ पहिला। मागेर कुन ठाउँ रहे त्यो ठाउँको नाम? हामी नयाँ बजार सोह्रखुन्टे, सो नयाँ बजार सोह्रखुन्टे जा रहे, ठिक है? उनके मतलब लोकेसन उधरी, तो जो सामान भी खरीदने हामी हामीले अब तक नहीं खरिदे, अभी मतलब रस्ते और आप लोग को देखने को मिल जाएगी अभी, सही है? चलो अब सीधा उधर पहुँच के आप लोग घूमते, बहुत बारिश हो रही है कसम से यार खतरनाक। हामी जाँदाखेरि साउन्ड साउन्ड लिन आयौँ होइन, अनि हामी चाहिँ जुसको चाहिँ दुइटा उलियौँ, के के लिनु हो? कति एक बक्स लिनु लाग्यो? सो यो एक बक्स लिएको जाँ हाम, यो बक्समा कति केजी हुन्छ? 20 केजी सेब और 10 dozen केले
इधर पैक हो रही है हमारी। हम खजूर के लिए उसके मतलब तलाशी में, क्योंकि वो वाली जी भी बहुत खजूर खाते थे ना, मतलब सब लोग खजूर ही खाते, वो मुँह मीठा करने के लिए। सो गाइस अभी हम इधर गन्ने की जूस पीने लगे, ठीक है। सो तो इस शहर मतलब एनर्जी डाउन होती है ना, तो ये पीना चाहिए, मस्त मजा आता है। सो गाइस एक केरा को एउटा काटू ना, एउटा के काटू हो गई, ये भी पैक हो गई जी। हम इधर पहुँच गए लोकेशन में। अरे बेड़ा बेड अभी मतलब ऐसे रखे, क्योंकि अभी बच्चों की रमजान चल रहा है ना, छुट्टी के टाइम है अभी। ये रहे मस्जिद, इधर मतलब बच्चे लोग प्रे करते हैं, बच्चे लोग इधर प्रे करते हैं, तो इसके अंदर ही प्रे करते हैं मस्जिद। ये रे मस्जिद बच्चों की, हॉस्टल में ही मस्जिद है, सब कुछ बाहर के लोग भी आते हैं फ्राइडे। और गाइस ये सेकेंड हॉस्टल, यानी कि मतलब बड़े बड़े स्टूडेंट के लिए ये वाली, और छोटे स्टूडेंट के लिए नीचे की जो अभी हमने दिखाई थी पहले। सो गाइस अभी हम इधर से निकलने वाले, ठीक है, जहाँ मतलब बच्चे लोग नमाज वमाज कुरान वुरान पढ़ने के लिए गए उधर, क्योंकि उनको इधर आने के लिए 6:30 ऑलमोस्ट इतना टाइम लग जाएगी, तब तक हमारे लिए बहुत लेट हो जाएगी घर जाने के लिए, तो इसलिए हमें ब्रदर इधर के लेके जा रहे हैं उधर। तो लेट्स गो सीधा, अब उधर बच्चों के मिलेंगे और सबको उधर मिलके मतलब रमजान मुबारक देके हम भी उधर से घर निकल जाएंगे। उनके लिए खाना वगैरह जो फल वगैरह लेके आए थे वो सब हम इधर ही छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें उधर से घर निकलनी पड़ेगी, तो जब बच्चे लोग आएंगे ब्रदर लोग उनको दे देंगे। इसलिए सबके साथ मिले, मैं सावन वावन में लेके आया था, इधर तक तो नहीं ले पाया उधर, तो आप लोगों के लिए छोटी सी ओके ओके अस अस बाय भाई। हाँ मिल रहा था, मिल चुका रहा पूरे मिले इन दवाई को बेस भाई से ना लाइन दवाई से तो फेस माइली डिपेंड करना कस्टम नाम सुनो भाई ना करने के लिए कुछ और आए थे और क्या हो गई यार, और हम मस्त तरीके से सबके साथ मिल गए। बाय मेरे भाई, बाय, ठीक से भाई, ठीक से भाई, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, बाय 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 बाय। ओके ओके ओके, एउटा सेल्फी सेल्फी ले, एउटा ल भाइ। अय्या बाबा गाइस मरे ओए, ये क्या हो गया,
सो गाइस अब हम इधर से घर निकलने वाला है, ठीक है? तो अब सीधा आप लोग घर जाके मिलते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके फाइनली घर में और बहुत सुकून मिल रहा है रास्ते यार, कसम से यार जो काम करके आए। कौन सी सब्जी है ये? सिमी। ओ सिमी, ठीक है। कभी मतलब मटर और आलू, मटर और आलू, कभी मतलब फर्सी और आज जाके सिमी बनी घर में। अनि अजमा कस्तो लाग्यो त आज उता गएर? और गाइज बस अब इतनी थी यार आज के लिए। आज बारिश हुई यार, क्या क्या नहीं हुई यार, आज इतनी जोर से बारिश हुई सब कुछ भी, फिर भी हमने मतलब हमारी जो काम थी हमने कर लिया अच्छे से यार, बहुत मस्त तरीके से हुई यार, बहुत दिल का सुकून मिल रही है आराम। और मुझे जो प्यार मिला उधर हमारे जो मुस्लिम भाइयों से बहनों से, लाइक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, बहुत 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 शुक्रिया आप लोग के, ठीक है? एंड मच लव, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार ऐसे मुझे प्यार मिलती यार इधर से भी। तो बस ये बात है कि यार सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, सम पर्सन ऑफ पीपल, जो मतलब कुछ बात को पकड़ के बहुत वो बात को कॉम्प्लिकेटेड कर देते और उसी चीज़ की वजह से सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट पड़ती है। तो यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए यार, एक इंसान दूसरे इंसान की हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और एक इंसान दूसरे को भी इंसान ही सोचना चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मिल के रहना चाहिए सबको, अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस ये थी बात, ठीक है गाइस? तो अभी मैं जितना भी बोलूँ यार ऐसे ऐसे वैसे ऐसे मतलब बोलने वाले फिर अब कल को जाके बोलेंगे कि इसने तो जाके ये किया उधर जाके दूसरों को ये वो ये वो, तो यार बोलने वाले को बोलने देंगे हम, ठीक है? हम अपने काम करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें किसी की मतलब परवाह नहीं है, ठीक है? आलतू फालतू लोगों की, बस मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे प्यार करने लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और सही है या गलत है, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू एंजॉय द वीडियो, ठीक है? एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बम बम पलम पल कर दीजिए एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट। किन होइन?